हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। मैं हूँ धीरे, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ टेक्निकल टॉक्स एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सभी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए। अगर आप चाहते हैं किसी एप्लीकेशन को अपने फ्रेंड रिलेटिव किसी के साथ में भी शेयर करना, तो आप किस तरह से करते हैं। अगर आपके सामने स्मार्टफोन है तो आप क्या करेंगे, दोनों स्मार्टफोन को सामने ले लेंगे और जियो स्विच से या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आपस में शेयर कर लेंगे एप्लीकेशन को। लेकिन अगर हम बात करें आपका फ्रेंड कोई बाहर रहता है उसको आपको व्हाट्सअप पर भेजना है, तो आप किस तरह से उस एप्लीकेशन को यहां पे भेजेंगे। या तो वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे अवेलेबल होता हो, आप उसका लिंक शेयर कर देंगे तो आपका फ्रेंड रिलेटिव जिसको भी आप भेज रहे हैं वो उसको इंस्टॉल कर लेगा डाउनलोड करके। लेकिन अगर आपके पास में वो एप्लीकेशन यहां कहीं से डाउनलोड की हुई है और आप उसको शेयर करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आप किस तरह से करेंगे वो बात करेंगे इस वीडियो में। व्हाट्सएप के थ्रू आप आसानी से किसी भी एप्लीकेशन को कहीं पे भी भेज पाएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखना, पसंद है तो लाइक कर देना, ज्यादा शेयर कर देना। और चैनल टेक्निकल टॉक्स पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दे ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू आप क्या क्या शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है। डॉक्यूमेंट आप भेज सकते हैं, कैमरा, गैलरी, यहाँ पे ऑडियो, पेमेंट का ऑप्शन है, रूम का ऑप्शन है, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, ये सब तो आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं पे एप्लीकेशन का ऑप्शन नहीं है कि भाई एप्लीकेशन आप कोई एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल है और उसको आप शेयर कर सकें, क्योंकि उसकी एपीके फाइल आपके पास नहीं है। तो आप किस तरह से शेयर करेंगे तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहां पे आपको सर्च करना है एपीके एक्सट्रैक्टर। जैसे आप यहां पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये देखिए एपीके एक्सट्रैक्टर आ जाएगा। 1.8 एमबी का है, छोटा सा सेटअप है, सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 स्टार इसकी रेटिंग है, 10 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स है। तो इसको सबसे पहले तो आप यहां पे इंस्टॉल कर लेंगे। यहां पे दोस्तों ये देखिए, यहां पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूं इसको। अब यहाँ पे आप जैसे इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद में आपको सारी एप्लीकेशन जो भी आपके मोबाइल में आप एप्लीकेशन है सारी की सारी एप्लीकेशन ये देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो जिस भी एप्लीकेशन को हम शेयर करना चाहते हैं जैसे WhatsApp पे किसी भी एप्लीकेशन को, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बस उसके हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अलाउ कर देना है और जैसे यहाँ पे देखिए करेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये एप्लीकेशन आपकी एक्सट्रैक्ट होकर आपके यहाँ पे फोल्डर में चली जाएगी, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आप इसके अलावा एक और ऑप्शन में आपको बता देता हूं इजीली, तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे जैसे एक्सट्रैक्ट कर लिया फिर आप यहां पे सर्च में जाके उसके बाद में उस एप्लीकेशन को फाइंड करके और नाम जैसे आप डालें, जैसे सपोज कीजिए आप ये बूमरैंग मैंने एप्लीकेशन है ये शेयर करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे सर्च कर लूंगा तो मुझे वो एप्लीकेशन यहां पे दिख जाएगी और मैं उसको एपीके फाइल को शेयर कर लूंगा। इसके अलावा आप चाहे तो एक और तरीका है उससे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं सीधा। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहां 3 डॉट पे जाना है और यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। जैसे आप शेयर पे करेंगे एक्सट्रैक्टेड टू पाथ और यहाँ पे पाथ आ जाएगा और डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको व्हाट्सअप, जीमेल, तो यहाँ पे जिस पे भी आप भेजना चाहें, तो मैं यहाँ पे व्हाट्सअप कर लेता हूँ और यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एपीके फाइल यहाँ पे चली गई और यहाँ पे जिस भी आपको फ्रेंड को किसी को भेजना चाहते हैं वो आराम से इंस्टॉल करके इसको यूज कर लेगा। तो इस तरह से आसानी से आप किसी भी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के थ्रू आप व्हाट्सअप के थ्रू आराम से भेज सकते हैं, चाहे आपका फ्रेंड कहीं पे भी हो, लेकिन आप आसानी से किसी भी एप्लीकेशन को उसकी एपीके फाइल होना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर ले, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उसको शेयर कर ले और इजीली वो पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी ये पता होगा, लेकिन प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, जिनको नहीं पता उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, ज्यादा शेयर कर देना और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए बहुत सारी वीडियोस आते रहेंगे, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, पास में जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।